7 में जब मलिशा कैनत के घर पे आती है तो वो देखती है कि कहीं भी नहीं है, तो उसे लगता है कि वो गार्डन में होगा। तो गार्डन में देखने जाती है तो देखती है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ हो रखा है। तो फिर वो पूछती है उसकी मेड से कि कैनत कहाँ है, तो कहती है कि वो एम्बुलेंस में गया है। कहती है एम्बुलेंस, तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रोने लगती है, कहती है एम्बुलेंस। वो एकदम शॉक्ड इतनी ज़्यादा हो जाती है। एकम जो उस दिन हुआ था उसके बारे में बैठे बैठे सोच रही होती है, तो फिर सब कुछ याद करती है कि कैनत उसे क्या कहता है और फिर उन लोगों के बीच में क्या बात होती है। वो सब कुछ इमेजिन करती है, अपना सब कुछ रियलाइज़ करती है। सोचती है कि उस पर बिलीव मत कर, वो दोबारा झूठ बोल रहा है, अपने आप से कहती है। फिर उसे यार ये सीन याद करती है, कैनत जब एलिवेटर में जा रहा होता है वो भी उसके पास आती है। कहती क्या कर रहे हो? कहता है मैंने तुम्हें बताया था पार्क में कि मैं स्कूल ड्रॉप आउट करता हूँ। तो कहती है तुम सब चीज़ों से भाग रहे हो। कहता है वो इंसान मुझसे कह रहा है जो खुद झूठ बोल रहा है। कहती है इसका मतलब? कहता है अभी मैंने तुमसे कन्फेस करा अपना लव, बट यू डिडंट आंसर। तो कहता है तुम भी तो अपने आप से झूठ बोल रही हो, मुझे मत बताओ क्या सही है क्या गलत है। तो फिर कहती है पर मैं तुम्हें स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करने दूंगी। तो कहता है क्या करोगी, पूरी ज़िंदगी एलिवेटर में बंद करके रखोगी? तो कहती है हाँ ज़रूरी होगा। तो कहता है तुम हर चीज़ में ब्रेव हो पर लव के नाम पर इतनी डर क्यों जाती हो? कहता है कहती है ऐसा कुछ नहीं है। कहता है हाँ देखो ना तुम कितनी कावड़ हो, तुम जीना ही नहीं चाहती। तो फिर वो उसके एकदम क्लोज आता है, कहता है कि मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। फिर कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रही हो ना? फिर वो सडनली रोने लगती है। तो फिर उसे कहती है कि प्लीज़ कैनत। तो कहता है कि हम जितने भी मोमेंट मिस कर रहे हैं वो सब एकदम प्रीशियस हैं। तो कहता है अपने आप को रोकना बंद करो। कहती है मैं ये नहीं कर सकती, आई कांट। तो फिर कहता है कि एकिम अपना कनेक्शन डिनाई मत करो, सूनर और लेटर दिस कनेक्शन विल विन। व्हाई डोंट यू गिव दिस लव अ चांस, शायद ये हमें हील कर दे, शायद हम दोनों को हैप्पीनेस दे। तो फिर वो कहती है कि प्यार कभी हील नहीं देता, नए नए घाव और दे देता है। फिर सडनली वो याद करती, कहती है एकिम स्टॉप। फिर हज़ल का कॉल आ जाता है, वो कहती है आर यू रेडी, मैंने तुम्हें बताया था ना टाइम पे आना है, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। कहती है ओके ओके आई वोंट बी लेट। तो कहती है तुम ठीक हो? तो आई वॉइस ठीक नहीं लग रही है। कहती है नहीं नहीं आई विल आई एम ऑल राइट। कैफे में एकिम की मोम का कॉल आता है और उससे कहती है कि बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी बट कैनत हॉस्पिटल में। तो कहती है क्या हुआ उसे, वो ठीक है? कहती है हाँ ठीक तो है, बस थोड़ा उसका हाथ टूट गया है, आर्म टूट गई है। कहती एकिम हेलो, एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर वो हज़ल से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो कहती है कुछ हुआ है कि यहाँ वहाँ कुछ एक एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना है, आई नीड टू गो टू हॉस्पिटल अर्जेंटली। तो कहती है ओके ओके मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, तुम जाओ। फिर वो चली जाती है। मैं ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ से जल्दी से निकलना है, मलिशा कहती है तुम ठीक हो जाओ फिर आ जाना। वो उसकी मॉम कहती है हाँ सही बात है। फिर कैनत मलिशा से मिलती है, कहती है तुम क्यों आई हो यहाँ? कहती कैनत को देखने। कहती क्यों कि तुम क्यों आई है? एकिम कहती है क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो हंसने लगती है, तो कहती है तुम ऐसी हंसी क्यों दे रही हो? मलिशा कहती है तुमने मुझे टच कैसे करा? तो वो हंसने लगती है, कहती है वी आर नॉट एट स्कूल। तो कहती है इट डजेंट मैटर वेयर वी आर, नेक्स्ट टू मी यू विल बी इन योर प्लेस। तो कहती है यू डोंट टच मी अगेन। तो कहती है क्या होगा अगर मैं तुम्हें टच करा? एकिम कहती है एकिम कहती है प्लीज़ मेरे रास्ते से हटो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। पर उन दोनों में लड़ते रहते हैं। तो फिर सडनली उसकी मम्मी आ जाती हैं कैनत की। फिर वो मलिशा से कहती हैं कि बेटा मैं देखो पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ, मेरा पूरा दिन टायर्ड है, तुम घर जाना चाहती हो चले जाती। कहती है मैं रुकूंगी। आंटी कहती नहीं बेटा तुम जाओ। तो कहती ओ कैनत भी उस दिन के बारे में सोच रहा होता है कि वो एकिम से कहता है कि तुम हमारे कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकती, सूनर और लेटर इट विल टेक। तो कहता है कि तुम इसे अलाउ क्यों नहीं करना चाहती, शायद हमें हील कर सके। तो कहती है कि लव हील नहीं करता, न्यू घाव और देता है। फिर कहता है कि अगर ये मुड़ के देखेगी तो, फिर वो मुड़ के देखती है तो वो एकदम खुश हो जाता है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर सडनली एकिम आ जाती है, कहती कैनत, वो कहता है वेलकम। तो उसे देखकर बहुत खुश होता है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा क्रैक आया। कहती है हाँ वो मुझे लग रहा है कि तुम ठीक हो। फिर कहता है कि तुम अभी जा रही हो? कहती है नहीं नहीं मैं अभी भी यहीं हूँ। फिर कहती है ये हुआ कैसे? फिर वो कहता है कि बस ऐसी विंडो खुली हुई थी और पापा मुझे बताना चाह रहे थे और हम दोनों ही गिर गए। तो फिर उसे ठीक कर रही होती है, तो वो कहता है कि मैं हर्ट हो गया हूँ। कहती होल्ड होल्ड होल्ड। तो फिर कहती है सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। वो हंसने लगता है, कहता है मैं ठीक हूँ। कहती है मैं डर गई, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट करा। तो फिर सडनली उसे बिठाता है, उससे कहता है, तो फिर उससे कहता है मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगी, इसका मतलब ये थोड़ी था कि मैं मर जाऊँगा। तो कहती है तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो कहता है ऐसे कैसे मतलब? हमेशा साथ रहेंगे क्या? तो एकदम कन्फ्यूज हो जाती है। सोई हेजल आ जाती है, कहती कनत मैं बहुत डर गई थी, मैंने जैसे एक्सीडेंट का नाम सुना था, तुम ठीक हो? तो कहती है हाँ। कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को देखा था हॉलवे में। कहती है अगर तुम अब गए ना तो तुम्हें मैं बताऊंगी।
तो फिर कहता है तुम्हारे आने से पहले मैं एकदम ठीक था, तो मेरी दूसरी आम भी तोड़ दोगी। तो कहती है सॉरी सॉरी, एकिम ने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया था, कुछ हुआ। तो फिर वो कहता है कि पापा के संग थोड़ी सी ज़्यादा मजाक कर दी और क्रॉस कर दी लाइन, इसलिए। जब एकिम आ रही होती तो देखती कनत बैठा होता, तो वो कहती है कि कनत तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो तुम, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुए, तुमने बताया क्यों नहीं। फिर वो कहता है गिव मी अ हग, कहता है प्लीज़ हग मी। तो फिर उसे हग करती है, फिर वो एकदम रोने लगता है। फिर सडनली लैला की कॉल आती है, तो उससे कहती है कि तुम उठा लो कॉल, मुझे सब कुछ पता है। तो कहता है कि ओके, यदि तुम आंसर कर सकते हो कि किसने बताया, अजीज़ ने। कहती है नहीं, मैंने खुद देखा। वो कुछ नहीं बोलता, फिर जाने को होती है, उसे रोकता है। तो फिर वो आपस में मतलब एक दूसरे से कहना चाहते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं था, काश मैं तुम्हें बता पाता। तो वो कहती है कि तुम कौन से वाले रियल हो, जो उसने हक करा या क्या। तो कहता है ये मुझे सब अपने भाई के लिए करना होगा। फिर वो चली जाती है। फिर कनत कैफ़े में आता है, तो हज़ल दिक्की कहती है कनत क्या हुआ, तुम ठीक हो। कहती है कुछ डैड के साथ फिर कोई प्रॉब्लम हुई क्या। वो कहता है कि वो कुछ नहीं कहता, कहती है मुझे वरी मत करो प्लीज़। तो कहता है एकिम कहाँ है, तो कहती है वो अंदर है कि मुझे, मैं उसे बताऊँगा। तो कहता है हज़ल प्लीज़। तो कहती है ओके, वो किचन में है। फिर उसके पास जाता है कि एकिम, तो वो कहती है क्या है। कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो कनत। वो कहती है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट बताने वाला हूँ लैला के बारे में। कहती है मुझे ऑलरेडी पता है, तुम क्या बताओगे मुझे। कहता है नहीं, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कहती है मैं काम कर रही हूँ। कहता है प्लीज़। फिर कहती है वो आने लगती है। फिर कहती है हाँ बोलो। कहती है मुझे पहले ही पता है सब कुछ, बताओ मैं सुन रही हूँ। कहती है मुझे सब कुछ पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने सारे मैसेज भी देखे, सब कुछ पता, मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि आज मैं प्रूव करूँगा कि जो मैसेज करे वो मैं नहीं था। तो कहती है कि आज मैं तो प्रूव करके रहूँगा। फिर वो कॉल करता है लैला को। कहती है कनत, कहता है कि तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं किया। कहता है लैला आई एम सॉरी। कहती है किसके लिए, कि जो मैसेज हो रहे थे, जो बात हो रही थी, वो मैंने नहीं, मेरे भाई ने करी थी, क्योंकि मेरा भाई मुझसे हेट करता है, तो मुझसे बस बदला लेने के लिए वो तुम्हें बात करता था। कहता है कि कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना। कहते हैं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, यही रियलिटी है। तो एकिम कहती है प्लीज़ फ़ोन रख दो। तो वो नहीं रखता, वो उससे कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ करना और मेरे भाई को भी माफ़ करना। तो कहती वो कुछ कॉल कट कर देता है। फिर एकिन मुझसे कहती है कि ये तुमने क्या करा। कहता है कि मैं और दिन नहीं झेल सकता ये सब चीज़ों को। तो कहती है वाह ग्रेट ब्रावो, तुमने और तुम्हारे भाई ने उसकी रुइन कर दी लाइफ। कहता है मैं भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, तुम चाहती हो मुझसे झूठ बोलती हूँ बोलता रहूँ। तो कहती है ऐसा लग रहा है जैसे तुम कभी झूठ ही नहीं बोले। कहती है तुमने डिसाइड कर लिया था कि अच्छे पर्सन बन के रहोगे। कहती है तुम सबसे बेकार ईगोइस्टिक एकदम पैथेटिक पर्सन हो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में पूरे टाइम हेट करूँगी इसके लिए। कहता है नहीं। कहता है तुम्हें पता है ना सब कुछ मैंने अपने लोगों के लिए कह रहा है, फॉर बोथ ऑफ अस। कहती है प्लीज़ डोंट डेयर, मुझे अपने गेम में इन्वॉल्व मत करो। वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसे देखता रहता है, फिर एकदम बड़ा सैड हो जाता है।